हाथी को एक जादुई पेड़ मिल जाता है जिसके फल को तोड़ के वो लोग उसमें से पेड़ निकालते हैं और बंदर को एक तेंदुआ बना देता है। तेंदुआ बनने के बाद बंदर इधर उधर भागने लगता है और एक पत्थर पे जाके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वह हाथी को एक जेब्रा बना देता है और वह दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं। अब हाथी बंदर को एक जिराफ बना देता है जिसकी वजह से वह जिराफ के पास जाके उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वह मेंढक के पेट पे जाके एक बड़ा सा स्माइली आदमी बना देता है। अब इधर उधर घूमने के बाद उन लोगों को लग जाती है भूख जिसकी वजह से हाथी एक दिमाग लगाता है और बंदर को पेंट करके एक बड़ा सा मधुमक्खी बना देता है और मधुमक्खी के पेड़ के पास पहुंचा देता है जिसकी वजह से बंदर तुरंत पेड़ पे चढ़ता है और पेड़ पे चढ़ने के बाद मधुमक्खी के पास जाके बैठ जाता है। अब वो लोग उसे देखने लगते हैं कि ये इतना बड़ा मधुमक्खी तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो लोग एक बड़ा सा छत्ता लेके आते हैं और उसे शहद खाने के लिए दे देते हैं। फिर वह तुरंत अपने दोस्त हाथी को बुलाता है और बुलाने के बाद आधा आधा करके वो दोनों शहद खाने लगते हैं। वैसे आप ही को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना, अभी को पसंद करते हो तो कमेंट करना।